तो स्वागत है जी आपको हमारे इस YouTube चैनल पे देसी कंप्यूटर। स्वागत है जी आपको हमारे इस YouTube चैनल पे देसी कंप्यूटर क्लासेस पे। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमारा मॉनिटर क्या है, माउस क्या है, सीपीयू क्या है, कीबोर्ड क्या है, साउंड क्या है, प्रिंटर क्या है। तो अगर आप इसे पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे तो इसका हम थ्योरी लिखा दिए थे, लेकिन आज के हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि मॉनिटर क्या है, माउस कैसा होता है, या फिर सीपीयू कैसा होता है, कीबोर्ड कैसा होता है, वो सब हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन था कि मॉनिटर कैसा होता है, मॉनिटर क्या होता है। तो मेरा मॉनिटर ये रहा जी मेरा मॉनिटर। मॉनिटर हम उसे कहते हैं जो कंप्यूटर का फर्स्ट स्क्रीन एरिया रहे, उसे हम कहते हैं मॉनिटर। और मॉनिटर देखने में कैसा होता है, ये मॉनिटर देखने में टीवी जैसा होता है। अगर आप थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। तो यही रहता है मेरा मॉनिटर। अब अगला मेरा था माउस। तो माउस क्या होता है, तो ये रहा जी मेरा माउस। माउस देख लीजिए, माउस ऐसा होता है, इसमें तीन बटन होता है, एक हमारा लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और एक स्क्रॉल बटन होता है। ये हो गया मेरा माउस। और माउस बोले थे कि हम इसे कंप्यूटर के अंदर क्लिक या पेज को ऊपर नीचे करने के लिए काम में करते हैं। चलिए अगला मेरा था कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड हम बताए थे कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप करने के लिए या फिर लिखने के लिए हम जिसका यूज करेंगे वो हमारा कीबोर्ड होगा। तो यही रहा मेरा जी कीबोर्ड। क्लियर। चलिए अब अगले बढ़ते हैं हम अपनी। अगला क्वेश्चन था लगता है मेरा साउंड। ये मेरा है साउंड जी। हालांकि मेरे यहाँ छोटे वाला है, किसी के यहाँ बड़ा भी होता है। तो साउंड भी बताए थे थ्योरी वाला क्लास में कि साउंड क्या होता है। तो साउंड जो होता है वो कंप्यूटर से कोई सुनने वाला चीज, जैसे गाना हो, वही सुनने वाला चीज कंप्यूटर से बाहर निकलता है, उसे हम कहते थे साउंड। सीपीयू। तो ये रहा मेरा सीपीयू, देख लीजिए इधर लेकर क्या। ये रहा मेरा सीपीयू, अब देख लीजिए। हम उस दिन बताए थे कि सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। देखिए कैसा दिमाग होता है, क्योंकि इसका मॉनिटर का तार, फिर साउंड का तार, स्पीकर का तार, सारा चीज़ का तार इसमें जुटा हुआ रहता है, इसलिए हम इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो आई होप अब ये भी समझ होंगे कि इस मेरा सीपीयू क्या होता है। इसी के लिए इस जो कंप्यूटर में जो सारा प्रोसेसिंग होता है वो हमारा सीपीयू करता है। तो चलिए सब कुछ बता दिए, लेकिन मेरा एक चीज आ गया जी, वो मेरा प्रिंटर, जो कि मेरे पास प्रिंटर नहीं है, लेकिन हम बताए थे प्रिंटर। हम बताए थे कि कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर निकालना हो या जो हम बाहर टाइप करेंगे वो अगर बाहर निकालना हो तो वो हम प्रिंटर से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो प्रिंटर नहीं है। तो टेंशन नहीं लीजिए, हम इस वीडियो में प्रिंटर का फोटो दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आप कभी कहीं किसी दुकान में गए होंगे तो आप टू कॉपी कराने के लिए गए होंगे, तो वो जो दुकान वाला होता है वो आपको टू कॉपी करके देता है ना, वही मेरा प्रिंटर होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।